हाय ऑल, सो वेलकम टू फिल्म कंपनी चैनल। आज हमारे साथ में हमारे एक और टीम मेंबर जुड़े हैं, मिस्टर शरण। शरण शरण जो हैं वो टॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी नोन नेम हैं। वो एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और अभी इन्होंने रिसेंटली भरत जो सुपरस्टार हैं साउथ के, उनके साथ में अभी एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है नडुवन द मिडल मैन, इसको भी हिंदी में कह सकते हैं। सो हाय हाय शरण, वेलकम इन फिल्म कंपनी चैनल। हाय हाय रजत, हाय जीत। या हाय, तो हाय शरण, कैसे हैं? हैप्पी हैप्पी टू बी हियर टू जॉइन यू गाइस फॉर द रिव्यूज एंड फन। इट्स गोना बी फन। राइट, थैंक यू। एंड इट्स आवर ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट। सो शरण, आज आपको हमने कुछ चीज़ें भेजी थी, तो आपको क्या लगता है कि पहले तो ये बताइए कि अभी जो मूवी इंडस्ट्री में चल रहा है, तो छोटा सा मैं बस ये टाइम लेना चाहूँगा कि अभी हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि आज की डेट में टॉलीवुड और मलयालम सिनेमा ये बिल्कुल टॉप में है, बहुत ही डिफरेंट तरह की फिल्म बना रहे हैं। और जहाँ तक बात करते हैं बॉलीवुड की, अभी आपने लेटेस्ट देखा, इतनी बढ़िया फिल्म आई राधे कि देख के मज़ा आ गया। ठीक है, मैं तो मतलब आई एम सेंसलेस, स्पीचलेस। ये हुआ क्या, क्या हो रहा, क्या दिखाना चाह रहे थे? लेकिन जहाँ मैं अगर बात करता हूँ, अगर मतलब साउथ की जितनी भी फिल्म है, तो वो तो अपने आप में उनकी स्टोरी टेलिंग और उनकी जो डायरेक्शन और हर चीज़ बहुत ही बढ़िया होती है। तो थोड़ा सा आप बताओ कि मतलब क्या, मतलब आपके हिसाब से, बिकॉज आप फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी टाइम से पार्ट हो, यू आर अ डायरेक्टर एज वेल, तो आपके थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में? मेरे ख्याल से एक्चुअली बॉलीवुड में भी ये शुरू हो गया है, जो यहाँ पर भी चल रहा है। दे हैव अ डिफरेंट टीम फॉर राइटिंग। तो अभी मलयालम में आप देखोगे कि राइटर अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अपना काम देखते हैं, बट दे ऑल मर्ज टुगेदर एंड वर्क एज अ टीम। तो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो राइटर्स को जो इम्पोर्टेंस जो कम मिलती है हमारे इंडिया में, अभी वो थोड़ा थोड़ा मिलनी शुरू हो गई है। अगर आप हॉलीवुड में देखो, दे हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एवरीथिंग। राइटर्स विल ओनली राइट, डायरेक्टर्स विल सेलेक्ट देयर स्क्रिप्ट्स इफ दे लाइक डायरेक्टिंग, इफ दे वांट टू डायरेक्ट दैट स्क्रिप्ट दे टेक इट अप। तो ये धीरे धीरे ये ट्रेंड मलयालम में काफ़ी अभी कुछ सालों से शुरू हो गया, और इसकी वजह से दे आर एबल टू गिव वेरी गुड कंटेंट, बिकॉज जो राइटर सिर्फ लिखते हैं वो कंटेंट ओरिएंटेड ही लिखते हैं, और जब डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट लिखता है, ही पुट्स अ लॉट ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक कमर्शियल वैल्यू, हीरो का क्या मार्केट है, हीरो को कैसे पोर्ट्रे करना है स्क्रीन पे कि ऑडियंस को, उनके फैंस को अच्छा लगे। Exactly. इसकी वजह से मेरे को लगता है कि मलयालम इंडस्ट्री और तमिल इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री की भी बात करें, तमिल इंडस्ट्री में ये ट्रेंड अभी मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुआ है। या तो जो अच्छी पिक्चरें बन रही हैं उसके पीछे काफ़ी होमवर्क हो चुका है, उसके वजह से, फॉर एग्जांपल अभी करना नहीं थी और असुरन धनुष की फिल्म वेट्री मार, इन लोग इन डायरेक्टर्स की आप टीम देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, दे हैव अ वेरी गुड राइटिंग टीम। उनके बैक एंड में काफ़ी काम होता है, काफ़ी रिसर्च होता है, उसके बाद जाके एक स्क्रिप्ट बनती है और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी रीजन की वजह से दे आर एबल टू गिव गुड कंटेंट। अभी बॉलीवुड में क्या होता है कि अभी आप एग्जांपल राधे ले लीजिए, प्रभु देवा सर भी साउथ के ही हैं, उन्होंने एक टाइम पे सलमान खान की फिल्म, आई मीन करियर को एक अलग रूप दिया था। वांटेड मूवीज, आई थिंक वांटेड फिल्म से स्टार्ट किया था। तो मे बी उस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से दे कंटिन्यूड, बट सेम फॉर्मूला विल नॉट वर्क। अभी आप साउथ में देखोगे, इवन धनुष, he is working with different directors and he is trying different things. He is not following the same template. He is trying to give different roles, he is trying to give different scripts, different content with different directors. So agar aap ek hi template follow karoge to audience bhi bore ho jayegi. To mere khayal se yahi hua hai Radhe ke sath. Yahi Radhe agar Wanted ki jagah release hui hoti to shayad achhi ho, shayad isse acha kiya hota, but humne Radhe jaisa content repeatedly bahut bar dekha hai. और जो ये राधे जैसा कंटेंट हमने रिपीटेडली देखा है वो शायद बेटर था इससे। करेक्ट करेक्ट, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हो भी रहा है। हाँ, ये हो भी रहा है, हो भी रहा है। और दूसरा क्या है कि मैंने आपने जो बोला कि हमारे यहाँ राइटर्स की बड़ी कमी भी है और उनको ज़्यादा कोई फेमस या कुछ मिलता भी नहीं है। एक टाइम पे नाम था सलीम जावेद जी का, जो हर जगह पे राइटिंग में आते थे और उन वही हीरो को भी सिलेक्ट करते थे कि मेरी स्टेट में ये हीरो सेट बैठेगा। इवन अगर उनका हीरो के साथ से स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। हाँ, नहीं, अगर मैंने काफी चीजें पढ़ी है कि शोले जब फिल्म बन रही थी तो जो सलीम जावेद हैं, दे क्योंकि उस टाइम पे अमिताभ बच्चन जी का कैरियर इतना बूम पे नहीं था,
लेकिन वो ढूंढ रहे थे तो उनके पास पहुंचे वो कि ये ले तेरी स्क्रिप्ट है और इस फिल्म में काम कर, इसके लिए मैं रमेश से बात करता हूँ, तो वो फिल्म खैर हिट हुई। राइटर्स हैं बट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू, मुझे लगता है। और अगर वो एक बार ड्यू मिलना शुरू हो गया तो देयर विल बी मोर राइटर्स विल कम अप एंड टेक अप दिस, टेक दिस एज अ करियर। और आई थिंक राइटर्स को वो इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, और हर फिल्म में एक राइटर होना जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरी पहली फिल्म में देख लीजिए, मैंने ही स्क्रिप्ट लिखी है, आई हैव रिटन द स्क्रिप्ट एंड आई हैव डायरेक्टेड इट, एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विद अ राइटर आफ्टर दिस, बिकॉज एक आदमी का माइंड एक लिमिट तक ही चलता है, काम करता है, वर्क करता है। एग्जैक्टली देखिए, मैंने मैं हमने एक्चुअली, आप भी खैर फिल्मों में हैं, हम भी फिल्म देखते आ रहे हैं, हमने कुछ भी फिल्म बनाई भी है शॉर्ट फिल्म, एज यू ऑलरेडी अवेयर, हमने ये हमेशा देखा कि हॉलीवुड के अंदर ये होता है कि कहीं भी लिख के नहीं आता रिटन एंड डायरेक्टेड बाय, हमेशा आता सीधा डायरेक्टेड बाय। करेक्ट, राइटर अलग होता है, स्क्रीन प्ले राइटर अलग होता है, स्क्रीन प्ले अडैप्शन अलग होता है, स्टोरी बोर्डिंग अलग होती है, बहुत काम होता है एक स्क्रिप्ट के पीछे, उसके बाद डायरेक्टर बैठता है, डायरेक्टर बैठ के ही विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज फाइन एंड ही इज रेडी टू गो अहेड, और ये लिबर्टी रहता है वहाँ पर डायरेक्टर्स को। एक बार एक दो फिल्म में उन्होंने अपने जॉनर में हिट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिस्टोफर नोलन ले लीजिए, क्रिस्टोफर नोलन के पास खुद के आइडियाज होते हैं, ही गिव्स इट टू द राइटर्स कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, लेट्स वर्क ऑन इट, दे हैव दैट लिबर्टी की giving ideas and everything, and also they have a liberty of selecting their scripts. कि उनको क्या suit होगा, उनकी making, उनका thought process के लिए क्या suit होगा। सही बात। चलिए, let's start the program, जिसके लिए हम लोग बनाते हैं और सबके सामने review लेके आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि हम अपने viewers को बता दें कि आज शरण हमारे साथ हैं, जो हमें exact में काफी चीजों के बारे में अभी बताया भी, और साथ में ये भी पता चलता रहेगा कि फिल्मों में एक्चुअली बन कैसे बनता कैसे है, पूरा प्रोसेस कैसे है, तो वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। So, शरण के इनपुट्स हम लेते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लाइक वो अपने इनपुट देते रहेंगे गाइस, तो आप लोग भी दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं, हम तो दे रहे हैं, लेकिन आप खैर काफी टाइम से, सो लेट्स स्टार्ट।